नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं बड़ी खबर का। NCDEX ने रिफाइंड कैस्टर ऑयल का वायदा लॉन्च कर दिया है। इस रिफाइंड कैस्टर ऑयल के वायदे के लिए अभी अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 तक के वायदा लॉन्च किया गया है। बाकी महीने के वायदे आगे कारोबार के दौरान आते रहेंगे। अपने लॉन्च होने के पहले ही दिन NCDEX पर रिफाइंड कैस्टर ऑयल का वायदा 1471 प्रति 10 किलोग्राम पर कारोबार करता दिखाई दिया है। भारत का कैस्टर तेल का निर्यात पिछले साल बढ़कर 4 साल के उच्चतम स्तर से 6.44 लाख टन होने का अनुमान है, जिसमें चीन ने इन्वेंट्री बनाने के लिए इसका 50% हिस्सा खरीदा है। सॉल्वेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार पिछले साल कैस्टर तेल का निर्यात 2019 के 5.45 लाख टन, 2018 के 5.97 लाख टन और 2017 के 6.28 लाख टन के शिपमेंट के मुकाबले हुआ था। चीन ने पिछले साल कैस्टर सीड खरीदने के काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन भारतीय पेराई उद्योग ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया था कि कच्चे माल की तुलना में मूल्य वर्धित उत्पादकों का निर्यात करना बेहतर होगा। मौजूदा 2021-22 सीजन के दौरान भारत का कैस्टर सीड का उत्पादन 17.95 लाख टन होने का अनुमान है, जो 2020-21 में 17.89 लाख टन था। कैस्टर सीड में गुजरात का अनुमानित उत्पादन 15.47 लाख है, राजस्थान का 2.03 लाख और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का 35,000 टन का योगदान रह सकता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 के दौरान देश में कैस्टर का जो रकबा है वो 8.11 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है, जो 2020-21 में 8.26 लाख हेक्टेयर था। तो ये थी बात कि NCDEX ने रिफाइंड कैस्टर ऑयल का वायदा लॉन्च कर दिया है आज, और NCDEX पर रिफाइंड कैस्टर ऑयल का जो वायदा है 1471 प्रतिशत 10 किलोग्राम पर कारोबार करता आज दिखाई दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।